ये है आरू मैम, जो कि पिछली वीडियो में आप सबने देखा होगा, जो हमारी डायरेक्टर साहिबा होती हैं हमेशा, वो देख रही हैं कि सीन कैसे लिया जा रहा है। और हमारे कैमरामैन सर को देखिए आप, कैमरामैन सर हमारे तो एकदम देखिए कैसे उन्होंने एक सीन ऐसा है कि जो अपना ये टंकी है उसमें कोई बच्चा है, जो कि बच्चे को किसी ने ऐसा सीन में आया कि उसको डाल दिया गया है, उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये हम लोग बहुत अच्छा सीन था, सब लोग मिलके इसको रिकॉर्ड कर रहे थे कि इसको अपने फ़ोन में रखेंगे। आप ये देखिए मॉनिटर पे दिख रहा है कि वो बच्चा उसी टंकी में है और वो तड़प रहा है कि उसे कोई बाहर निकाले, लेकिन कोई बाहर निकालने के लिए रहता नहीं है। मतलब जो सीन ऐसा है उस क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में कि जो कातिल है वो बच्चे को टंकी में छोड़ के चला गया है, तो टंकी में पूरी सुविधा के साथ बच्चे को डाला गया है कि हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हाथ पकड़े रहते हैं वहाँ पर, और पानी की टंकी में जो पानी है वो बहुत आधा ही है, पूरा फुल भरा भी नहीं है। तो ये है गजराज स्टूडियो जो कि मड में है, उसका सेट है ये। और यहाँ पे ये सीन है कि कातिल जो है किसी औरत को मार के किसी नदी में उसने फेंक दिया है, और वो लाश आकर कहीं एक बहुत ज़्यादा जो जंगल टाइप का पानी मिल जाता है ना, वो गांव में क्या बोलते हैं उसको, काई टाइप का कुछ होता है, उसमें जाके फंस जाती है लाश। तो किसी को दिखती है तो पुलिस को बुलाते हैं, तो हम लोग आके उस लाश को बाहर निकालते हैं। मनीष जी हैं, जेबा जी हैं, और जो मेन लीड करते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर वो हैं, और वो मैं भी हूँ, मतलब हाँ हूँ मैं भी, वो खड़ा हुआ, मैं पहचाना क्या आपने, ये जो सीना तान के खड़ा हुआ लौंडा, उसमें मैं कॉन्स्टेबल का कैरेक्टर कर रहा था। तो ये तब की वीडियो है। अब इस लाश को बाहर निकाल कर उसके बाद फिर ले जाएंगे लाश को अंदर, क्योंकि फिर वो सीन सही से हुआ नहीं है, तो उसको रखने का, उसको हर चीज़ एक अलग सा क्लोज करता है। ये कौन आ गया भाई साहब, तो उसको रखते हैं। कैमरामैन एकदम दिखा रहे हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, चीज़ें समझाते रहते हैं वहाँ पे। ये कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ, ये कोई व्लॉग टाइप का नहीं है, बस कमेंट्री कर रहा हूँ कि क्राइम पेट्रोल में होता कैसे है, सीन कैसे होता है। अब हम लोग फिर अंदर जा रहे हैं ये देखने कहीं और कोई लाश तो नहीं है, या कर यहाँ पर इसको फिर से कोई काला वाला जो भी करना पड़ता है वो पैर को काला कर देते हैं, ताकि मतलब पता चले कि हाँ लाश काफ़ी सड़ी हुई है। वो गाड़ी खड़ी हुई है हमारी, जो हम आते हैं हाँ हाँ करते हुए। अब मैं